दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं फेसबुक में आप फ्रेंड लिस्ट कैसे हाइड कर सकते हैं, इसके बारे में बोलेंगे। छोटा सा वीडियो है, स्किप किप मत करो, ध्यान से देखो। अब हाइड करने की क्या ज़रूरत है? देखो, कोई बंदा चाहता है सीक्रेट रहने के लिए और दूसरे बंदे उसका फेसबुक का फ्रेंड कोई देख नहीं पाए, उसका फ्रेंड लिस्ट के अंदर ही रह जाए, ये दूसरे को कोई दिखाई ना दे जो चाहता है, इसके लिए ये वीडियो है। ठीक है, चलो चलते हैं फेसबुक में और दिखाएंगे सेटिंग क्या है, कैसे करते हैं। पहले आप फेसबुक ओपन करो। फेसबुक ओपन करने के बाद देखो, फेसबुक मैंने ओपन कर दिया। ओपन करने के बाद फिर आप क्या करना है, ऊपर जो थ्री डॉट है राइट साइड में थ्री डॉट पे क्लिक करो। क्लिक करने के बाद सबसे नीचे आ जाओ, आ जाएगा आपका सेटिंग एंड प्राइवेसी पे क्लिक करने के बाद फिर आ जाएगा सेटिंग पे क्लिक करो। देखो, क्लिक करने के बाद आपका इधर आ जाता है पर्सनल एंड अकाउंट इन्फॉर्मेशन, पासवर्ड एंड सिक्योरिटी, बहुत सारे पेमेंट सिस्टम आ जाता है। पेमेंट सिस्टम के नीचे देखो प्राइवेसी चेकअप, उधर ही क्लिक करो। प्राइवेसी चेकअप में मार्किंग कर लेता हूँ, प्राइवेसी चेकअप के ऊपर क्लिक करो। क्लिक करने के बाद इधर आ जाता है, देखो बहुत सारा आ जाता है, योर डाटा सेटिंग ऑन फेसबुक, हाउ पीपुल फाइंड यू कैन ऑन फेसबुक, थोड़ा इसको भी देख लेते हैं, इसके बाद सेटिंग बता देंगे। देखो ये वाला, देखो कंटेंट पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद देखो फेसबुक में कौन मुझे फाइंड करके इधर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा, देखो ये सब दिखाई देता है। फिर आ जाओ बैक कर दो, हमारा जो मेन जो सेटिंग है फेसबुक फ्रेंड लिस्ट कैसे हाइड करेंगे वही वाला बताएंगे। देखो पहला वाला जो फास्ट है, हु कैन सी व्हाट यू शेयर, वही वाला सेटिंग इंपॉर्टेंट है, वही वाला सेटिंग हमारा फेसबुक फ्रेंड हाइड करने के लिए काम आएगा, वही वाला सेटिंग को ओपन करो। देखो ओपन कर दिया, ओपन करने के बाद फिर आ जाता है हु कैन सी व्हाट यू शेयर, इसके नीचे आ जाता है कंटिन्यू पे क्लिक करो। क्लिक करने के बाद इधर देखो सबसे नीचे आ जाओ। आ जाने के बाद फिर आपका आ जाएगा फ्रेंड्स एंड फॉलोइंग, वही सेक्शन में है हु कैन सी योर फ्रेंड लिस्ट ऑन योर प्रोफाइल, वही फ्रेंड लिस्ट और प्रोफाइल इसके ऊपर क्लिक करो। मैं मार्किंग कर लेता हूँ, आपको आसानी होगा। देखो वही पब्लिक जिधर लिखा है वो पब्लिक के ऊपर क्लिक करो। क्लिक करने के बाद अगर पब्लिक हम कर देंगे तो पूरा पब्लिक देखेगा, ऑल इंडिया का, ऑल वर्ल्ड भी देखेगा। अगर आपका फ्रेंड लिस्ट देखना चाहते हो सिर्फ फ्रेंड को, तो फ्रेंड पे क्लिक करेंगे तो वो फ्रेंड पे हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड एक्सपेक्टेड, मतलब फ्रेंड का कुछ ऑप्शन दिया है, कौन सा फ्रेंड दिखाना चाहते हो वही फ्रेंड को दिखाने के लिए इधर ऑप्शन है, इधर क्लिक करेंगे तो फ्रेंड एक्सपेक्टेड है उधर हो जाएगा। और स्पेसिफिक फ्रेंड का मतलब है आप चाहो स्पेसिफिक कुछ चुनिंदा फ्रेंड को आपको दिखा सकते हो फ्रेंड लिस्ट, इसके नीचे जो स्पेसिफिक फ्रेंड्स उसी के क्लिक करेंगे राइट मार्क कर देंगे तो हो जाएगा। ओनली मी, अगर सबसे नीचे देखो ओनली मी, अगर ओनली मी पे हम क्लिक करेंगे तो फ्रेंड लिस्ट किसी को दिखाई नहीं देगा, फ्रेंड को दिखाई नहीं देगा, पब्लिक को भी दिखाई नहीं देगा, या स्पेसिफिक फ्रेंड को भी नहीं देगा, सिर्फ आप ही देख पाएंगे। यही सेटिंग है ओनली मी पे, मैं अभी क्लिक करता हूँ। देखो ओनली मी पे देखो क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद फ्रेंड लिस्ट हाइड होने के बाद फिर किसी को दिखाई नहीं देगा। अभी देखो मैंने तो अभी ओनली मी रखा, आप चाहो तो ओनली मी रखेंगे तो फ्रेंड लिस्ट किसी को दिखाई नहीं, बस यही सेटिंग है। आशा करता हूँ वीडियो अगर अच्छा लगेगा, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।